हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सारिनी आप लोग का हमारे चैनल सारिनी फॉर किचन में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ में एक और नई रेसिपी के साथ आई हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पे आज दही बड़े बनाए हुए हैं। दही बड़े को बहुत से लोग दही भल्ले भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी उड़द दाल ले लिया है, जो कि बिना छिलके वाली है। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब मैं इसे भिगा के 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल के इसे ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी 4 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से फूल चुका है। तो मैं इसे पीस लूँगी अभी। तो ये देखिए, मैं इसे जार में डाल के पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं बाकी का भी पीस लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग भी डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 स्पून जीरा लिया हुआ है। मैं इसमें हींग डाल दूँगी। फिर मैं इन्हें भी अच्छे से पीस के, ये देखिए मैंने सारा पीस लिया है। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में आपको इसे ऐसे चलाते रहना है कम से कम 10 मिनट के लिए। इस तरीके से आप चला के इसे बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा और ये बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर से। ये देखिए, अब मैं एक बाउल में ये थोड़ा सा हींग डाल के पानी को गर्म करने के लिए रख दूँगी। अब ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे बड़े को फ्राई कर लूँगी। तो अभी हमारा तेल पक चुका है। मैं इसे कुछ इस आकार का बना रही हूँ क्योंकि अभी ये और भी फूल जाएगा पानी में जाके। तो मैंने इस तरह से इन्हें बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोशिश करिए कि आप हमारे वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी एक तरफ से फ्राई हो चुका है। अब मैं इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी इस तरीके से। बचे हुए बड़ों को भी मैं तल लूँगी अच्छे से। आप इस तरीके से इन्हें बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है। ये देखिए, अभी ये भी हो चुका है। तो मैंने जो हींग और पानी गर्म किया था उन्हें मैं इनमें डाल के मैं रख दूँगी। और मैंने ये दही ले लिया है। दही में मैंने 2 स्पून तक शुगर डाल दिया है। डाल के नहीं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बनाने में टाइम है इसलिए मैंने ऐसी चीनी ले लिया था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इन्हें सर्व करती हूँ। मैंने इनके ऊपर अच्छे से दही को डाल दिया है ऐसे। तो इस तरीके से मैंने दही को अच्छे से डाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर भुना हुआ जीरा, जो कि मैंने पहले ही पीस लिया था, इस तरीके से डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जैसा पसंद है, ज़्यादा या कम। अब मैं इसमें हल्का सा चाट मसाला डालूँगी।
चाट मसाला डालने से और अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डालूंगी। तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाना है तो अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी डाल दीजिए। तो मैंने हरी चटनी बनाई हुई थी तो मैंने हल्का हल्का हरी चटनी डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आने लगता है और देखने में भी थोड़ा और अच्छा लगता है। और ये कुछ अनार के दानों से मैं इन्हें अच्छे से सजा दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगली कौन सी रेसिपी चाहिए आप ये भी हमें बता सकते हैं, मैं आपके लिए रोज़ नई नई रेसिपीज लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।